कोटा यूनिवर्सिटी ने बीपीएड 2023 के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट यहाँ पर हो चुके हैं। तो बीपीएड करने के लिए 2 साल का जो कोर्स होता है, ये कोर्स आप लोगों को करने के बाद में जब आप लोग पीटीए की भर्ती निकलती है तो उसमें आप लोग उसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बीपीएड से संबंधित आज इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी देखने वाले हैं कि बीपीएड के फॉर्म किस प्रकार से बनना है, इसकी गाइडलाइन क्या है और फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीपीएड से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो बीपीएड के लिए यानी कि शारीरिक शिक्षा में स्नातक जो पाठ्यक्रम है 2023, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में बीपीएड कहते हैं, इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले इसकी पूरी जानकारी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो 2 साल का जो कोर्स होता है बीपीएड, वो शारीरिक शिक्षा के भर्ती से संबंधित है। तो बीपीएड की जो ऑनलाइन जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 16 अगस्त से यहाँ पर शुरू हो चुकी है और 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुके फॉर्म, और इसकी जो लास्ट डेट वो 26 अगस्त तक है, यानी कि 26/8 तक आप लोग इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो फीस है वो 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये देकर आप लोग किसी भी ई मित्र के द्वारा आप लोग उस फॉर्म को लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग उस मेरे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देखकर आप लोग घर बैठे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोगों के फॉर्म भरते समय फीस कट गई है लेकिन एप्लीकेशन नंबर जारी नहीं हुए हैं, फीस कट गई है और आपके अकाउंट से भी पैसे कट चुके हैं लेकिन फिर भी जो फॉर्म है वो फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये भी नीचे भी हेल्पलाइन नंबर दिए, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर आप अपनी जो समस्या है वो पेमेंट की जो समस्या आप लोग बता सकते हैं। फॉर्म भरते समय आप लोगों को अपने खुद के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो आप लोगों के मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात एक चीज़ है कि जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आपके पास में खुद का अकाउंट होना चाहिए। देखिए अभ्यर्थी को अपने स्वयं का बैंक अकाउंट विवरण, संपूर्ण विवरण भरना है, जिसमें कि बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, सारी जानकारी सही से भरनी है। तो आप लोगों के पास में खुद का जो बैंक अकाउंट हो, बैंक अकाउंट होना चाहिए। यदि आप लोगों के पास में बैंक अकाउंट नहीं है तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना बैंक अकाउंट खुलवा कर आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बैंक अकाउंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जब फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद काउंसलिंग के बाद जब काउंसलिंग होगी उस समय 5000 रुपये का आप लोगों को फीस कटाकर आप लोग काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। बाय चांस यदि आप लोगों का एडमिशन नहीं होता है तो उस 5000 में से कुछ राशि कट जाती है और बाकी जो शेष राशि है आप लोग जो बैंक अकाउंट डिटेल देंगे उस बैंक खाते में वापस जमा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर देखिए प्रार्थी का स्वयं का खाता होना अनिवार्य है, यानी कि किसी भी माता पिता भाई बहन का जो अकाउंट है वो अकाउंट नहीं चलेगा, यहाँ पर जो फॉर्म भर रहा है उसका अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा जब आप लोग उसको फॉर्म को भर देंगे तो आपको 3 जो हार्ड कॉपी, वो हार्ड कॉपी आप लोगों को संभाल कर रखनी है। ये जो हार्ड कॉपी होगी जिस समय आप लोगों का जो फिजिकल टेस्ट होगा उस समय आप लोगों को लेके जानी है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोगों को ये हार्ड कॉपी लेके जानी है। और भी यदि आप लोगों को जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इसी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी और से अधिक बीपीएड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के समय मैंने बता दिया 1000 रुपये यहाँ पर फीस है, वो आप लोगों को जमा करवानी है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन पत्रों की प्रिंट प्रति जमा करवाने हेतु, यानी कि जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे तो आप लोगों को उसकी 3 कॉपी निकाल कर अपने पास में रखनी है। इसमें से जो 1 कॉपी है वो 1 कॉपी आप लोगों को कब लेके जानी है, जब आप लोगों का जो शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा उस समय आप लोगों को लेके जाना है सारे डॉक्यूमेंट, ये फॉर्म, शैक्षणिक और जितने भी मार्कशीटें हैं, उसके बाद जितने भी कि आपके पास में खेल प्रमाण पत्र, वो सारे खेल प्रमाण पत्र और इसके साथ में निरस्त चेक भी आप लोगों को साथ में लेके जाना है। आप लोगों का बैंक अकाउंट में जब खाता खुल जाएगा तो वहाँ से आप लोग चेकबुक इशू करवा लीजिएगा, उस पर कैंसिल लिखकर आप लोगों को वहाँ पर जब फिजिकल टेस्ट होगा उसमें वहाँ पर आपको लेकर जाना होगा। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, यानी कि कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए ताकि आप लोग बीपीएड कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने स्नातक कर रखा है यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा है और उस ग्रेजुएशन में 50% आपके पास में अंक है और इसी के साथ में यदि आप लोगों ने भी कहीं पर भी जिला या विद्यालय स्तर या इंटर जोनल या इंटर महाविद्यालय में यदि आप लोगों ने भाग लिया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ये आप लोगों के पास में होना चाहिए। अगर ये आप लोगों के पास में योग्यता नहीं है तो आप लोगों के पास में करने के लिए 3 साल का जो बीपीए पाठ्यक्रम है उसके अंदर 45% अंकों से आप लोग उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोगों ने बीए कर रखी है और बीए में 45% ही आप लोगों के पास में बने हैं तो उस समय स्नातक की जो डिग्री आप लोगों ने करी है, जो बीए करी है, उसमें शारीरिक शिक्षा का विषय होना ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आप लोगों के पास में बीए के अंदर 45% मार्क्स है और यदि आप लोगों ने किसी भी खेल में भाग लिया है और इस भाग लेते समय आप लोग 1st, 2nd, 3rd आए तो आप लोग इस फॉर्म को लिए अप्लाईकेबल हैं।
इसके अलावा यदि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद में भी यदि आप लोगों ने भाग लिया है तो आप लोगों के पास में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई सरकारी सेवा में कार्यरत शारीरिक शिक्षक है वो भी इसके लिए आप लोग वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप लोग इसी जो योग्यता इस योग्यता को आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक, उस लिंक पर क्लिक कर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आयु की यदि बात करते हैं तो कम से कम 18 साल की आयु आप लोगों के पास में होनी चाहिए और जो सामान्य वर्ग है वो उसके लिए 28 साल यहाँ पर रखी गई है अधिकतम आयु। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी और सामान्य जो वर्ग की जो महिला है वो 33 वर्ष तक इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक योग्यता की यदि बात करें, फिजिकल फिटनेस की यदि बात करें, तो आप लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। फिजिकल टेस्ट देने जाओगे तब आप लोगों को यहाँ पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होगा जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनता है। वो जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल से आप लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार और शारीरिक क्षमता परीक्षण के दिन राजकीय शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होना जरूरी है और वो 15 दिन से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट की यदि बात करें तो फिजिकल टेस्ट में सिर्फ दौड़ होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो जो मेल फीमेल जो मेल कैंडिडेट है वो 12 मिनट में 2200 मीटर दौड़ पास करना जरूरी है। उसी तरह से जो महिला वर्ग है वो 1800 मीटर दौड़ पास करना जरूरी है। तो जो फिजिकल टेस्ट है उसके नंबर आप लोगों के नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आप लोगों को ये जो फिजिकल टेस्ट है वो पास करना जरूरी है। यदि आप लोगों ने काउंसलिंग में भाग लिया और काउंसलिंग भाग लेने के बाद में आपका कॉलेज आपको चूज हो जाता है, तो इसके लिए जो एक साल की फीस है वो 22,370 रुपये वार्षिक शुल्क है, यानी एक साल की 22,370, फिर अगले साल फीस है 22,370। अब देखिए मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनी जाएगी। तो मेरिट लिस्ट है वो 100 अंक मान कर बनी जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो ग्रेजुएशन किया उस ग्रेजुएशन का कुल का 60% नंबर जुड़ेंगे। इसके अलावा यदि आप लोगों ने पास में CPET या फिर DPET या फिर किसी भी खेल में एक वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा है तो उसके 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद में यदि आप लोगों के पास में खेल प्रमाण पत्र है तो उसके अधिकतम 35 अंक मिलेंगे। अब ये जो खेल प्रमाण पत्र है उसके भी अलग अलग अंक है, तो आप लोग ये नोटिफिकेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा किस खेल के कितने यहाँ पर अंक है, किस राज्य स्तर पर कितने अंक है, जिला स्तर पर कितने अंक है और स्कूल स्तर पर कितने अंक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने अंक आप लोगों को जुड़ेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें आप लोग आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, एक बार आप लोग इस नोटिफिकेशन में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक प्रमाण पत्र और भी देना होगा माता पिता द्वारा, यदि माता पिता नहीं तो संरक्षक के द्वारा ये घोषणा करनी होगी, प्रमाण पत्र देना होगा कि यहाँ पर आप लोग ये टाइप करवाना है कि मैं प्रवेश नियमों के अंतर्गत प्रवेश देने और प्रशासनिक का समस्त व्यय वहन करने की सहमति देता हूं और पूर्ण परीक्षण काल में प्रशासनिक के व्यवहार एवं सभी उत्तरदायित्व का वहन करूंगा। तो इस प्रकार का एक आप लोगों को टाइप कर प्रमाण पत्र आप लोगों को देना होगा। तो ये तो थी बीपीएड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। इससे संबंधित और भी कुछ समस्या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीपीएड से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।